एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल वे ऑफ रीस्टाइल, जिसमें हम बात करते हैं फैशन शॉपिंग एंड रीस्टाइलिंग की। लेकिन 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 आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो किसी भी फैशन टॉपिक के ऊपर नहीं है। सो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अपनी बैंगल सेरेमनी की। यस, सो 3 दिसंबर को मेरी बैंगल सेरेमनी थी, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा ड्रीम था मेरी बैंगल सेरेमनी होना। और बहुत लंबे समय से मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि हाँ, कब मेरी वेडिंग की बैंगल सेरेमनी हो। क्योंकि हमेशा ना क्या होता था, हम दूसरों की बैंगल सेरेमनी हुआ मैंने देखी है, होती हुई देखी है, तो मुझे था कि हाँ मेरी कब होगी, मेरा वो कौन सा डे होगा जिस दिन मेरी बैंगल सेरेमनी होगी। सो 3 दिसंबर इज़ द लकीस्ट डे ऑफ माई लाइफ कि 3 दिसंबर को मेरी थी बैंगल सेरेमनी। और बैंगल सेरेमनी का जो मेरा पूरा फंक्शन था वो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ। सो विदाउट फर्दर एनी डू, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड टू द वीडियो। ओके, तो ये रहा मेरा डेकोरेशन का सामान। ये कुछ लड़ियाँ सी हैं और ये ब्राइड टू पी का टैग है जो मैं अपने लटकाने वाली हूँ। और ये है बैलून्स ब्राइड टू बी जिसमें लिखा होता है। और यहाँ पर हमारी डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है, बैलून्स हम फुलाने लग चुके हैं यहाँ पर। और देखते ही देखते हमारे बलून्स रेडी हैं, वी आर ब्राइड टू बी। एंड यहाँ पर अब ये मैडम हमारी डेकोरेशन कर रही हैं, ब्राइड टू बी अब यहाँ पे लगा रहे हैं। और देखिए ये रहा हमारा ब्राइड टू बी, काफ़ी अच्छा लग रहा था ये और बहुत ही मज़ा आया डेकोरेशन करने में। ओके फ्रेंड्स, सो ये रहा मेरा ब्राइड टू बी और ये रही तैयार हो रही हूँ, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई हूँ। सो अभी मैं रेडी होकर आप सबको मिलती हूँ। ओके, सो यहाँ पर हमने कुछ ज्वेलरी अपनी मंगवाई हुई थी जो फ्लावर्स की ज्वेलरी थी, जो ब्राइडल ब्राइड टू बी बैंगल सेरेमनी पे या हल्दी फंक्शन पे पहनती है। सो ये बहुत ही अच्छा लग रहा था कि ये मैं पहनने लगी हूँ। ये रही मेरी फाइनल लुक बैंगल सेरेमनी के लिए। मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना था और साथ में मैंने ये येलो एंड रेड कलर की फ्लावर ज्वेलरी पहनी थी, जो कि हर ब्राइडल अपनी बैंगल सेरेमनी पे, मेहंदी फंक्शन पे या फिर हल्दी फंक्शन पे पहनती हैं। और यहाँ पर मेरी बैंगल सेरेमनी का फंक्शन शुरू हो चुका था।